नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। पूरी दुनिया वाकिफ है तालिबान का आका, उसका अब्बा जान कौन है, किसके कहने पर तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, किसके इशारे पर अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बन रही है। इमरान खान से लेकर बाजवा तक तालिबान की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान और बाजवा दोनों को यकीन है कि तालिबान उन्हें कश्मीर लाकर दे देगा। लेकिन बैठे रहे, इंतजार करते रहे, आपकी फौज से तो ये कभी हो नहीं पाएगा। अब तो हद ये हो गई है कि इमरान खान भी तालिबान को खुश करने में जुट गए हैं। जहां जहां तालिबान, वहां वहां इमरान खान। उधर तालिबान ने महिलाओं को पर्दे में रहने का फरमान क्या जारी किया, इधर इमरान खान भी तालिबान की राह पर निकल पड़े। बिल्कुल देर नहीं लगाई और पाकिस्तान में शिक्षकों के जीन्स, टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। जल्द ही पाकिस्तान हो सकता है कि तालिबिस्तान बन जाए। सवाल ये कि क्या इस्लामाबाद से तालिबान को कंट्रोल करेंगे इमरान खान? क्या रावलपिंडी के इशारे पर काबुल में आतंकी सरकार चलेगी? क्या तालिबान को खुश करने के लिए इमरान खान फैसले ले रहे हैं? क्या इमरान खान तालिबान बनने के नक्शे कदम पर है? और सवाल यह भी कि क्या इमरान खान तालिबानी मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो हालात पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में पैदा किए उससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब तक जो लोग पाकिस्तान में बैठकर वहां की आवाम, वहां के पत्रकार, वहां की सरकार में, वहां के विपक्ष में बैठे लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, क्या अब वो इन तालिबानी फैसलों को मानेंगे? सवाल पूछूंगी, पहले रिपोर्ट देखिए फिर मेहमानों से मिलवा दियो। नियाजी है पाकिस्तानी, सोच तालिबानी। काबुल से इस्लामाबाद, आतंक से आबाद। दुनिया जान चुकी है कि तालिबान का रिमोट कंट्रोल कहाँ है, कहाँ से तालिबान पर हुक्म चल रहा है और कहाँ से तालिबान को खाद पानी मिल रहा है। पंजशीर में बम वर्षा और ISI चीफ फैज कुरैशी के काबुल दौरे ने पाकिस्तान के चेहरे से पर्दा पूरी तरह से हटा दिया है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक नियाजी खान से नफरतों का गुबार पैदा हो गया है। तालिबान के साथ जिस तरह नियाजी गलबहियां कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में भी खलबली मची है। डर इस बात का है कि कहीं तालिबान का अगला टारगेट इस्लामाबाद न हो जाए। मियां नियाजी के तौर तरीके पर PMLN ने सख्त एतराज जताया है। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने नियाजी खान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफगानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं, जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। लेकिन शायद नियाजी को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत विरोध में अंधे इमरान खान अपनी ही आवाम के गले पर छुरी चला रहे हैं। तालिबान के कब्जे के साथ ही नियाजी की तालिबानी सोच भी पाकिस्तान में अब रफ्तार पकड़ने लगी है। तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगाया तो नियाजी खान ने टीचर्स की जींस पहनने और टाइट कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इमरान सरकार ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के टीचर्स के लिए फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन यानी FDE के तहत आने वाले किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स जींस, टी शर्ट या टाइट्स नहीं पहन सकेंगे। अब मुल्ला इमरान सरकार क्वालिटी एजुकेशन के बजाय तालिबान का निजाम बनने की तैयारी में है। इमरान सरकार ने यह नोटिफिकेशन FDE के माध्यम से 7 सितंबर को जारी कराया था। इमरान खान पर तालिबानी सोच कितनी हावी है इसका अंदाजा तो उसी वक्त मिल गया था जब एक TV चैनल के इंटरव्यू में इमरान ने महिलाओं के छोटे कपड़े पर कहा था कि पुरुष रोबोट नहीं है। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. I mean, it's common sense. इमरान खान और तालिबान की सोच में कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तालिबान के मूल्य और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुल्ला इमरान खान पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसक फैसले ले रहे हैं।
तालिबान पहले ही अफगान महिलाओं के खेल और पुरुषों के साथ पढ़ाई पर रोक लगा चुका है। अब इमरान भी तालिबान से ज्यादा जालिम बनने की राह पर निकल चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही पाकिस्तान का नया नाम तालिबिस्तान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम मेहमानों से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब आज इस डिबेट में मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बने रहेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। आनंद शंकर जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ इस डिबेट में रहेंगे। मोहम्मद जफीर पाकिस्तान के पत्रकार मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और दानियाल जनानी आपसे कुछ देर में जुड़ जाएंगे। मोहम्मद जफीर, महिलाएं सलवार कमीज और शॉल पहने, पुरुष टी शर्ट और जीन्स ना पहने, आप क्या पहन के बैठे हैं आज? टी शर्ट जीन्स तो नहीं पहना, नहीं तो ठोक दे जाओगे आप भी तालिबान के लोगों की तरह ही। माधुरी बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा नहीं है, आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, आप जितनी मर्जी हाइप क्रिएट कर ले, इन बातों से होना कुछ नहीं है। मैं पहना क्या है? टी शर्ट जीन्स तो नहीं, जीन्स तो नहीं पहना है, डर लगता होगा ना। अब तो आपके प्रधानमंत्री ने कह लिया, पहनी हुई है। बड़ा जिगरा है आप अपने तालिबानी सोच के प्रधानमंत्री के सामने चैलेंज कर रहे हैं। मतलब आप भी उस विरोध में शामिल हैं जो इमरान खान का पाकिस्तान में हो रहा है। सुन ले, आप इस तालिबान सोच से आप कब बाहर निकलेंगे? हम तो निकले हुए हैं। आप हिंदुस्तान कब बाहर निकलेगा? सेकुलर हिंदुस्तान। हम तो आपको एक्सपोज करते रहेंगे। बड़ा मजा आता है मुझे आपको एक्सपोज करने में। हम तो आपको बहुत मजा आता है मेरे को एक्सपोज करने में आपको। ये हमने आपका असल चेहरा एक्सपोज करने में मेरे को मजा आता है। आपको एक्सपोज करते रहेंगे, आपको मधुरी जी आपको एक्सपोज करते रहेंगे। मुझे क्या एक्सपोज करोगे? मेरे देश में आजादी है, मैं शॉर्ट्स पहन के घूम सकती हूँ, मैं ड्रेस में बुलेटिन कर सकती हूँ, मैं ऑन एयर आ सकती हूँ, मैं कहीं भी कैसे भी घूम सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध कर सकती हूँ, मुझे आजादी है। तुम बताओ जफीर, क्या जीन्स टी शर्ट तो पहन के नहीं बैठे हो? नहीं तो ठोक दिए जाओगे, गोली चलाएंगे लोग आपके देश के। माधुरी मेरी जो कुलीग एंकर है ना, वो भी टी शर्ट जीन्स पहन के प्रोग्राम करती है, बैठती है, उनको कोई इशू नहीं है। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से ही प्रोग्राम करती है, पाकिस्तान से ही करती है, तो ये कोई इशू नहीं है। आप जनता की फिक्र करें, हिंदुस्तान की फिक्र करें, जहां आपको बोलने नहीं दिया जाता। आप जीन को आप करें अपनी हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम और जीन। बिल्कुल, मैं तो करती हूँ अपनी हुकूमत से सवाल पूछने का, बिल्कुल पूरा 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 आजादी है मुझे, और कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे माधुरी आप इनकी फेवर में प्रोग्राम करती हैं, इसलिए तो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर आप ना करें तो ये शब्द कहाँ पड़ा था? कहाँ पड़ा था ये शब्द? आपको मार देंगे आरएसएस के उंडे, आपको मार देंगे, वो नहीं जाने देंगे आपको। देखो ऐसा है, सुनो जफीर, स्टूडेंट किसान क्यों वन ऑन वन लड़ते हो मुझसे? किसान तहरीक आपसे थोड़ा सा ही दूर है। ओहो, किसान पे रोड शो करती हूँ? मेरे किसान भाई मेरे पास आकर बैठते हैं, हम विरोध करते एक दूसरे का आमने सामने बैठकर। मैं तो फिर कह रही हूँ कि सलवार कमीज शॉल नहीं पहनाया कल से घर में महिलाओं को, तो जी आपके तालिबानी भाई आएंगे और बंदूकें चलाएंगे और आपको मंजूर होगा, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री तो वही चाहते थे। अरे किस दुनिया में रह रही हैं आप? इसी दुनिया में जहां आप समझ बड़े, मेरी दुनिया आप समझ में नहीं पाएंगे। आगे बढ़े, ये हिंदुस्तान को किधर लेके जा रहे हैं आप? ये पाकिस्तान, मुसलमान, तालिबान, इन चीजों से बाहर निकल जाए, आगे बढ़े। रीजन डेवलपमेंट की बात करें, इलाके की बात करें, इस पूरे चलो बड़ी बातें करते हैं, ठीक है जफीर, बड़ी बातें करते हैं। बताओ रीजन डेवलप कैसे हुआ तालिबान के आने से? अरे वो झूला झूलने वाला फोटो दिखाइए तालिबानियों का, इनके जाहिल भाइयों का, इनके लंगूर भाई हवाई जहाज पर झूला टांग के झूला झूल रहे थे, दिखाइए जरा इनको, ये नहीं देखा होगा इन्होंने। अरे बड़ी बातें करते हैं, झूला झूलने से रीजन डेवलप होता है, झूला झूलने से रीजन डेवलप होता है, हवाई जहाज पर झूला डाल के झूलने से रीजन डेवलप होता है? हाँ, कैसे होता है रीजन डेवलप? चलो दो कारण बताओ जफीर, बड़ी बातें करते हैं आज आपसे, दो कारण बताओ, फिर सिन्हा साहब जवाब देंगे। बताओ बड़ी बातें करें, रीजन डेवलपमेंट इस तरह होता है, उस तरह नहीं होता। जो आपका वहाँ पे मीडिया बैठ के प्रोपेगेंडा करता था, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे दहशतगर्द पालते थे, आपने 14 कौंसल खाने बनाए हुए थे जो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी करते थे, जो कश्मीर के लिए दहशतगर्दी करते थे, जो ईरान में घुसकर दहशतगर्दी करते थे, जो यहाँ पे ना अकलीतों को छोड़ते थे, ना मुसलमानों को छोड़ते थे। अरे आप अपनी बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है जफीर, हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है
आप अपनी बात बताओ कि रीजन डेवलप कैसे हो रहा है वहां पर, क्योंकि मुझे तो जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके इमरान खान और मुल्ला बरादर दोनों आपस में मौसेरे भाई लगते हैं, दोनों की सोच एक जैसी है। पहले तालिबानियों ने शुरू किया, महिलाओं को उठाकर, बच्चियों को उठाकर ले जाते थे, महिलाओं को कह दिया कि सर से पैर तक ढक जाओ, और आज देखिए आपके ही भाई हैं तालिबानी, हवाई जहाज पे रस्सी बांधकर झूला झूल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि लंगूरों के हाथ में अगर अंगूर दे दिया जाए तो वो खेलते हैं फिर उससे, तो ये ऐसा ही है। पूरा देश, पूरी मातृभूमि उन अफगानी नागरिकों की आपने ले ली, और आप ऐसी स्थिति आपके पाकिस्तान में देखेंगे आपसे कुछ देर में, क्योंकि कह तो दिया ही है, शुरू तो हो गया। पाकिस्तान में सलवार कमीज शॉल पहनना महिलाओं के लिए जरूरी है, महिला टीचर्स जीन्स और टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, फिर कहाँ जाओगे आगे? आगे तो यही सब अपनाओगे जो ये करते हैं। तो जा रहे ना, अपनी चिंता करें माधुरी जी, अपनी चिंता करें। ओहो, यही आप तो बड़ी रीजन डेवलप की बात कर रहे हैं, तो मैं पड़ोसी तो हूँ ना आपकी, पड़ोसियों की चिंता तो करनी पड़ती है, जब ना माने तो फिर आंख भी दिखानी पड़ती है। तो उन्होंने बताया, सुने उन्होंने तालिबान ने ये बात आपको बताई, आप समेत तमाम दहशतगर्द ममालिक को, कि आप बमबारी करते थे और आपको हमने यहाँ से नाकाम करके भेजा, और आपके आपके हथियारों के साथ हम झूला झूल रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर वहां पड़े हुए, नकारा पड़े हुए हैं, बेबस होके बेदर्दी के साथ यहाँ से निकले हैं वो, जो इसको आप क्योंकि 11 सितंबर को बहुत बढ़िया। अब इससे ज्यादा बचकानी बात सिन्हा साहब क्या हो सकती है कि ये इन जाहिलों को झूला झूलते देखकर भी उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं जबीर साहब? सिन्हा साहब अरे भाई चुप हो जा, मेरे भाई चुप हो जा, कितना बोलोगे सिन्हा साहब को? बोलने इसको चुप करो यार, सिन्हा साहब को लाइए जफीर, इसका चुप करो, इसका आवाज कम करो प्लीज। माधुरी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जफीर कह रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट का, काहे का रीजनल डेवलपमेंट? हाफिज सईद को सपोर्ट करने से रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करने से रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? HM को सपोर्ट करने से रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? ओसामा बिन लैडन को ओबाटाबाद में जो आर्मी पूरा प्रोटेक्शन दे रही थी उससे रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान में एकदम टूट चुका है, 1 किलो चीनी के लिए महिलाएं 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन में लगती हैं, प्रधानमंत्री का निवास स्थान इंटरटेनमेंट के लिए जाता कि कुछ तो पैसा जनरेट हो PM ऑफिस के लिए, पाकिस्तान की औरतों के साथ चाइना जाती हैं बेचारी, और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे रीजनल विकास होता है क्या? तुम्हारे पूरे विश्व के स्तर पे थूथू तुम्हारी हो रही है, तुम एक अरब मिडिल ईस्ट के कंट्री से एक हवाई जहाज इमरान खान बोरो करता है और वहां जाके कुछ बकवास करता है तो हवाई जहाज छीन लेते हैं, उससे रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? तो जितना कोलिशन सपोर्ट फंड मिला उसके तुम्हारे पाकिस्तान जनरल्स एकदम ढकार गए, उससे रीजनल डेवलपमेंट होता है क्या? बांग्लादेश जो तुमसे निकला वो तुमसे कितना आगे है? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ठीक है, उसकी प्राथमिकता ठीक है, तुम्हारी प्राथमिकता में कीड़ा लगा हुआ है, तुमको जिहाद छोड़ के आतंक छोड़ के कुछ नजर नहीं आता। बांग्लादेश से सीखो, उसका मॉडल कॉपी करो, तब तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगते रहोगे। ऊपर से निकल गए सर, जफीर के ऊपर से निकल गए, नहीं समझ आती इनको इतनी बड़ी बातें, इनको अभी चिल्लाना आता है, इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जीन्स टी शर्ट और जो टाइट कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा है, कल से जफीर भाई ऐसा ना हो, सुनिए भाई साहब सुनिए, कल से ऐसा ना हो, गोपाल जी को लाइए, अग्रवाल साहब, कल से ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान के मेरे भाई कल ये भी सलवार कमीज पहनकर बैठे हो, ना पहने तो इनके पीछे भी कोड़े पड़ रहे हो, पत्रकारों को जैसे मारा है तालिबानियों ने वैसे इनके पाकिस्तान में भी शुरू होगा कल। सिन्हा साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं, सुने हाँ रीजन डेवलपमेंट, सिन्हा साहब दूर है अभी आपसे, दूर है जफीर, दूर है अभी, गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए। डेवलपमेंट होती है सबसे पहली बात क्या है, श्रीलंका रिपोर्ट के ऊपर बैठ के जैसे गद्दी क्रांच करते हैं और उसको नहीं सुनो, पहले आप सुन लो, बात ये है कि जिस तरह से इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मेरे देश का किसान मेरे देश में विरोध कर सकता है, मैं यही तो कह रही हूँ तुमको जफीर, तुम्हारे देश के लोगों पे कोड़े पड़ रहे हैं विरोध करने पर। मरियम नवाज क्या कह रही है, विरोध नहीं कर रही क्या नियाज़ी खान का? कर रही है ना, कह रही है कि महिलाओं के लिए काम करिए, अमन चैन फैलाने का काम करिए, दूसरों के काम में अपना अड़ंगा ना डलाइए, यही कह रही है ना मरियम नवाज?
3 लाख की फौज अपने तैयार की हुई थी, वो फौज नहीं लड़ सकी और उन्होंने बगैर गोली चलाई काबुल फतह कर लिया। हाँ, देखो, पाकिस्तान को इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान रखना चाहिए। इमरान खान सफीर क्षमा करिए, शांत हो जाइए, अब जवाब सुन लीजिए। आगे चले। देखो सुनो जफीर, सुनो, तुम तर्क दोगे, मेरे पास तर्क से भी मुझे बात आती है। तुम कुतर्क करोगे, मैं तुमसे बड़ी तरीके से कुतर्क कर सकती हूं। मैं बहुत बदतमीज हूं इस मामले में, ठीक है? तो अब चुप हो जाओ, गोपाल कृष्ण जी को बोलने दीजिए, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। जी सर, देखिए सबसे पहली बात, पाकिस्तान की जो हालत है आर्थिक रूप से जिसकी बुरी हालत है, चीन के सामने जिस तरह से घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने, जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था और देश की जमीन और सारा जमीर सब कुछ चीन के हवाले कर दिया है पाकिस्तान ने, और भीख का कटोरा लेके गल्फ कंट्रीज और उसके पास घूमता है, तो एक थोड़ा जो अब उस सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वह तालिबान बनाने की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं पूरी तरह से। आज एफडीआई 31% गिर गई है, चाइना ने अपना जो एक चाइना वाला था जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सहायता दे रहा था, अभी धीरे धीरे सीपीईसी में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, क्योंकि अभी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोग चीन के भी नागरिक मारे गए। तो जिस तरह से अंदरूनी हालत है, जिस तरह से एफएटीएफ से जो टास्क फोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान को ग्रे एरिया में क्लासिफाई कर रखा है, वह अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में। मैं तो इन भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को ध्यान रखो। आपके जो नेता है, नियाजी हो या इमरान खान हो, या आपको गरीबी और जिस भुखमरी की जिस रास्ते पे धकेल रहे हैं उस पे केवल बहुत बुरा हाल होने वाली स्थिति है। वो अपना सत्ता पे काबिज होके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देके आम जनता को बुरी तरह बरगलाते हैं। पूरे विश्व में आज पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर घोषित किया गया है, और अब अफगानिस्तान में जो तालिबान फोर्सेस के साथ सुनो सर वापस आ रहे हो। देखिए, इस वक्त आप मुझे लगातार समझा रहे थे कि हमें तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हमने तो रीजन डेवलप करने पर सोचा, या आपके थैबो साहब आते हैं वो भी मुझे यही रोज कहते हैं कि माधुरी जी आप इसको एक तरफा से मत देखिए, इसको बड़ा वाइड एस्पेक्ट में समझिए। आप कह रहे हैं रशिया आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, आपने दो तीन और नाम लिए वो भी आपके साथ हैं, कोई इस्लामिक कंट्री आपके साथ नहीं है तालिबान को मान्यता दिलाने में, बाकी सबका आपने नाम हवा हवाई में ले लिया। क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर बताती हूं आपको जफीर, सुनना, ये इस वक्त खबर आ रही है कि ब्रिक्स में पुतिन ने भी अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर व्लादिमीर पुतिन का ये निशाना है कि अफगानिस्तान में बाहरी दखल से चिंतित है वो, अफगानिस्तान में जो हुआ वो चिंताजनक, दुनिया के सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है, अफगानिस्तान में बाहरी दखल से चिंतित है पुतिन। अब आप सुन लीजिए, रशिया कहां से आपके साथ है जफीर, रशिया कहां आपके साथ है? वो तो मान रहा है कि आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। अरे सुन तो लेना, रशिया ऑन बोर्ड है और चाइना ऑन बोर्ड है, तुर्की ऑन बोर्ड है, ईरान और कतर मुस्लिम कंट्री है, आपको पता नहीं होगा शायद। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं पता है। क्या कर रहे हैं, बेहतर तक क्या है वाकई, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था आपको अगर रिसर्चर चाहिए मैं अपने प्रोग्राम की रिसर्चर दे दूंगा आपको, आप तैयारी से आया करें ताकि आपको पता हो कि रीजन में कौन कौन सा एरिया डिबेट में अच्छा दिखने लगे, तो मेरी लाइन तो रिपीट करते हो नहीं है, रहने दो जफीर, आनंद शंकर जी। अरे रहने दो, नहीं माधुरी जी आए ना फिर पॉइंट पे रहा करें, ये लोग हैं, ये ब्रिक्स सम्मेलन में आज ही रशिया भी इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो एक्सपोज्ड पहले दिन से है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तालिबान को उसने खड़ा किया वही तालिबान कल को इस पाकिस्तान में बैठकर अपने फैसले चलाएगा, जो इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपने गद्दी, आपने अरे चुप हो जाओ भाई, अरे पानी पी लो, पूरा उतरना है एक पास पानी पियो, तुम दया के पात्र,
दया के पात्र हो तुम लोग, पानी पियो थोड़ा सा। देखिए देखिए माधुरी जी, पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी दुनिया, जैसे आपने बहुत सही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि ये तालिबान और ये नियाजी इमरान, ये दोनों एक दूसरे के खाला के बच्चे हैं ये, तो इन पे हम लोगों को अब रहम करना चाहिए। इन लोगों से बात करके भी जो है लगता है जैसे कहां ये निर्जीव और ये ऐसे लोग। अब आप देखिए जो पंजशीर में हुआ, ये पंजशीर में इनके जो तालिबान के जो एक और ब्रांच ऑफिस आईएसआई के नाम से जो पाकिस्तान में चलता है, बिल्कुल, इनके जाने के बाद पंजशीर में क्या हुआ, और इनके इनके इशारे से और इनके गाइडेंस में वहां की सरकार बन रही है। तो अब इनको ज्यादा एक्सपोज, अब पूरी दुनिया ने इनको एक्सपोज कर दिया, और ये लोग घुटने पे क्या, अब ये लोग नंगे हो गए, अब कटोरी लेके भीख मांगने से भी इनको नहीं मिलेगा। कल तक ये सोच रहे थे कि चलो रसिया है हमारे साथ, रसिया है रसिया है, आज रसिया ने भी ब्रिक्स में, ये भारत की महत्ता है कि भारत जब ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल हुआ तो रशिया को भी अपना स्टैंड लेना पड़ा इन 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 आतंकियों के खिलाफ। अब बहुत ज्यादा इन पर टाइम और बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए बगैर अब पूरी दुनिया को चाहिए कि इनको आइसोलेट करके अब इनका एकदम से सफाया कर दे। अब ये नहीं तो तालिबान और ये इमरान मिलकर एक नया भारत बना रहे, नया फिदाई बना रहे, ये अमन चैन के बीच में बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं जैसा दिलन साहब ने बताया, अच्छा ठीक है जफीर सुनो, जफीर सुनो, जफीर कल से सलवार कमीज पहन कर बैठोगे ना डिबेट में मेरे साथ भी? हाँ वो भी बता दीजिए, नहीं तो कल से बैठना पड़ेगा क्योंकि आपके आपके नियाजी साहब ने तो फैसला कर ही दिया। अरे मेरी मेरा प्रोपेगेंडा कहाँ से हो गया भाई साहब, आपका ही आपके आपके देश में आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो पत्रकारों के साथ तो मारपीट तालिबान करता ही है। पाबंदी लगाई है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, जींस पे पाबंदी लगाई है, कहाँ पर नहीं है ये, कहाँ पर लगाई यार ये, मैं आपको व्हाट्सएप किया देता हूँ भाई साहब, सुनिए मेरी बात, कौन से दुनिया में कहां से कहां रहते हो? गालियां बरस रही यार, किस दुनिया में जी रहे हो? जुपिटर से आए हो? हिंदुस्तान में पूरी दुनिया बसती है, समझ आया? हिंदुस्तान में हर हम वसुधैव कुटुंबकम पर बिलीव करते हैं। आप मेरे हिंदुस्तान आओगे तो आप भी वेलकम हो। हम तो इतने बड़प्पन और इतनी शराफत वाले देश हैं कि आपको भी पना दे देंगे, ठीक है? जब सलवार कमीज पहनने पर कोड़े पड़ने लगे तो आप हमसे भी पना ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन कम से कम अपने देश में अगर पत्रकारिता कर रहे हो तो फिर अपने देश में अपनी सरकार का खुलकर विरोध करना भी सीखो। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही। अब तक ये लग रहा था कि इमरान खान तालिबान को निर्देश देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तालिबानी असर इमरान खान पर दिख रहा है। इसीलिए सोचिए कि सरकार इमरान की है, फैसले तालिबानी हो रहे हैं। इस वक्त दानियाल जिलानी भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से मेरे साथ। जिलानी जी, आप भी जीन्स टी शर्ट पहनना आपको अलाउ नहीं होगा, क्या करेंगे आप लोग? तालिबानी हुकूमत धीरे 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 आपके पाकिस्तान पर भी कब्जा कर रही है। हमारी फिक्र छोड़ दें, हमें पता है कि हमें क्या करना है, आप अपनी फिक्र करेंगे। और आपको 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 अफगानिस्तान में महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। तालिबान क्यों अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार नहीं है? आपने अफगानिस्तान में जो किया और करवाया उसे दुनिया वाकिफ है, क्यों अधिकार नहीं है? आपने मासूम मजलूमों को वहां से उठा के उनकी हत्या कर दी, उनको मारा पीटा, सब कुछ दिख रहा है और फिर भी चुप रहे हैं। आपके मंसूबे थे कि आप तालिबान की मदद करें, तालिबान की मदद करें और वहां से उनको पीओके भेजे, क्यों मतलब नहीं है मुझे? क्यों मतलब नहीं है मुझे? अहमद शाह मसूद को जानते हैं? अहमद शाह मसूद को कौन बुलाता था, कौन हेलीकॉप्टर भेजता था, क्या नॉर्दर्न इंडिया इंडियन की पता था नॉर्दर्न एयरलाइंस वालों को? आप अपने गिरोबान में जाएंगे, शर्म करें, दुनिया आपके ऊपर दिखती है, आपको शर्म आया नहीं है? आप अपने गिरोबान में जाएंगे, जो आपने आपका एक मकरू चेहरा है वो अफगानिस्तान में साजिया हो चुका है, आपको अभी भी शर्म नहीं आती? आप बार बार मुदाफत कर रहे हैं, आप कौन होते हैं अफगानिस्तान के सुल्तान जो इमरान है ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी तो रंगरेलिया मचाई और अब आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान में और तालिबान की भाषा बोल रहे हैं? तो इनसे हमको फिक्र आप लोगों की है, आप जैसे अमन पसंद लोगों का अगले बार
अगला टारगेट है तालिबान का, और जिसमें ये उनकी नियाजी उनके साथ अशरफ गनी को गोद लिया था आपको तब फिक्र नहीं हो रही थी? अशरफ गनी को जब आपने गोद लिया था तब आपको फिक्र नहीं हो रही थी? गुलबदीन हिकमत हम लोग एक अमन पसंद था आपको फिक्र नहीं हो रही? जिलानी जिलानी जी बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जिलानी जी कह रहे हैं आपने अशरफ गनी को बोल दिया। सिन्हा साहब ये कहां से लाते हैं ये सब बातें? अशरफ गनी को हिंदुस्तान बोलेगा कि अफगानिस्तान छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे भाई पाकिस्तान ने तालिबानियों को भेजा है? भारत के जो वजीरे आजम माधुरी, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ नशा करके ही आते हैं और इसीलिए इस तरह से बकवास करते हैं। हमने अफगानिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र का विकास किया, हमने अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों जिहादियों को सपोर्ट नहीं किया, हमने अफगानिस्तान में अफरा तफरी नहीं किया। हमने तालिबान के वक्ता ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान का रोल सकारात्मक रहा है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान का रोल है पॉजिटिव रोल, तुम्हारा रोल है निगेटिव रोल। तुम अशांति करते हो, तुम रिमोट कंट्रोल से मुल्ला अखुंड को प्राइम मिनिस्टर बना देते हो ताकि तुम्हारे इशारे पे नाचे, लेकिन वो ज्यादा दिन नाचे तुम नाच नहीं सकते क्योंकि जो सांप तुमने पिटारा से निकाला है वो सांप तुमको डसेगा। जब शरिया लॉ लागू होगा पाकिस्तान में तब तुम याद करना, अभी से इसके आदि हो जाओ, सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दो। ठीक है, सुनो, तुम बुर्का में घूमने लगो। जिलानी जी सुनिए, आपकी इमरान सरकार नोटिफिकेशन जारी करके कहती है कि एक BDISI की चाय पीने की तस्वीर वायरल होती है और पूरा हिंदुस्तान में जलजला मच जाता है, हिंदुस्तान मीडिया चीख उठता है और फिर हमारा दिन पता है कि अब हिंदुस्तान था जो ये तिल मिला, ये तो आलम है। इतने तो बुद्धे ना आप, एक BDISI से डरते हैं हमारे और आप बातें करते हैं कि हम अफगानिस्तान में ये करेंगे, हम आपकी पाली हुई, आपको बिल्कुल, आपको ऐसी आवाजें बिल्कुल नहीं आएंगी, ऐसी आवाजें आपको कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आएगी ना, ताल ठोक के बोलो थोड़ा। दो दिन में आवाज में दम लाओ जिलानी जी, पत्रकार हो ना, क्या हुआ बोलो। आवाज ही चली गई इनकी। 47 में पूछो ना इससे माधुरी क्या हुआ? अरे सर इनके इनके पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आता, टीवी नहीं चलता, एक भाई साहब बैठते हैं हमारे साथ उनको कभी स्क्रीन नहीं मिलती है, टेक्नोलॉजी समझते नहीं आप लोग, मतलब दकियानूसी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में मध्ययुगीन बर्बरता को आप मंजूर कर रहे हैं। जिलानी जी ये कहा गया है आपकी सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7 सितंबर को, ये कहा गया है कि अब महिलाएं जो हैं टीचर्स वो जीन्स टी-शर्ट नहीं पहन पाएंगी, पुरुष टीचर्स जीन्स टी-शर्ट नहीं पहन पाएंगे, महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, फिर अगर आप महिला बाहर निकल रही हैं तो उसके ऊपर वो टीचिंग गाउन मेडिकल गाउन जरूरी होगा, शॉल जरूरी होगा, सलवार कमीज पहनना जरूरी होगा। जिलानी जी ये आप डेवलप कर रहे हैं अपने आप को? थोड़ा सा आप मंथन करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करिए जिलानी जी। हम लोगों की चिंता क्या, हम इनकी आवाज आ रही है क्या? आप हमारे पड़ोसी हैं एंड वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर, जो हमारे श्रद्धेय वाजपेयी जी ने कहा। सर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि शायद जिलानी जी के यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। जफीर साहब आप ये तस्वीर देखिए, रोंगटे खड़े, आप कहाँ जा रहे हैं? आप 20वीं सदी 20 साल पहले चले गए, पहले एक देश को अफगानिस्तान को आपने 20 साल पहले भेज दिया और अब आपके तालिबानी भाई वही काम आपके साथ कर रहे हैं। सुनिए माधुरी जी, आप हम कह नहीं जा रहे, हम आपके पास दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली की चिंता करें। और दूसरा बात, दूसरी बात आपने ये बात की, बिल्कुल चाय तो हम आपको पिला देते हैं, आपको स्टूडियो में पता चाय मिलती है नहीं मिलती? सुनिए ना, हम आपको चाय पिला देते हैं, आप बुलेटिन भी आप करती है, हेडलाइन भी आप करती है, प्रोग्राम भी आप करती है, सब जाती होंगी, ये चाय ले लें, चाय हम आपको पिला देंगे, कोई मसला नहीं है। और यही वजह है कि आपके पास कोई रिसर्च भी नहीं होती, कॉन्टेंट भी नहीं होता, इधर उधर की बातें, जीन्स टी शर्ट। भैया आपके यहाँ पे सुनिए, आपके यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इधर उधर की बातें तो आपकी नोटिफिकेशन, आपकी सरकार इतनी वेली है क्या, इतनी फ्री है क्या कि इधर उधर की बातें नोटिफिकेशन जारी करके बताती है? पाकिस्तान की पॉलिसी से
आप डरे हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिसी से, पाकिस्तान क्योंकि गोपाल कृष्ण जी को लाइए अग्रवाल साहब, ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान की पॉलिसी से डरे हुए हैं, इनको ये समझाइए कि हिंदुस्तान आपको सचेत कर रहा है, हिंदुस्तान आपको सचेत कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि अगर इन तालिबानियों के मंसूबों के साथ आपने पीओके के बारे में सोचा, अगर आपने कश्मीर के बारे में सोचा तो आपका क्या हश्र होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। आप पर तरस आता है मोहम्मद जफीन, तरस आता है मुझे। तालिबानियों ने क्या किया है, तालिबान ने अफगानिस्तान में 4,000 तहरीक है तालिबान पाकिस्तान के लोगों को रिहा कर दिया है। आप देखो तो सही क्या हालत हो रही है आपकी। तहरीक है तालिबान पाकिस्तान, इन लोगों के 4,000 लोगों को तालिबान ने अफगानिस्तान में रिहा कर दिया। और वो लोग कौन है जिन्होंने कई आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान में अंजाम दिया है। 130 बच्चे आपके पेशावर में जो जिसमें मारे गए थे, उस स्कूल को के ऊपर आतंकवादी हमला इस संगठन ने किया था। आपका देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप जान जाओ। आपके नेता नियाजी और इमरान खान अपने ही देश के लोगों को देश को बेच रहे हैं, या तो चाइना के हाथ में या तालिबान के हाथ में। और अपने ऐशो आराम में ऐशो आराम कर रहे हैं और उनके देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं रख रहे। देश की अर्थव्यवस्था में रोटी चावल प्याज गेहूं ये तक लोगों को नहीं मिल रहा। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं कर रहे और उसी पर ध्यान हटाने के लिए आज ये स्थिति है। जिसके नाम जिन देशों के नाम आप ले रहे हो, एक मिनट गोपाल जी, जफीर एक मिनट, आपने कहा रूस तुर्की ईरान, क्या इन लोगों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी बात मानी, बताइए। इन्होंने ये कहा है कि देखिए जो आपने हमारे पास हमारे साथ जो वादे किए हैं वो पूरे करें और यही केयर टेकर सेटअप है इसके अंदर रहते हुए हम इनको मानेंगे। चाइना ने ये देखिए आज चाइना तो आपका चाचा है, चाइना ने इनको चाइना को आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे मतलब होता और आपके इस्लाम से मतलब होता तो सुनिए, वहाँ उइगर मुसलमानों को चूहों की तरह नहीं भर के रखा जाता जेल और कैदों में, ठीक है। अगर आपको चाइना को आपसे मतलब होता, चाइना सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, चाइना सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, आज भी चाइना को अफगानिस्तान के लिथियम से प्यार है, आपसे नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग? सिखों के साथ क्या कर रहे हैं बताएं ना, फिर हिंदुस्तान में आप सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं? मेरे सिख भाई खुश है यहाँ, मेरे देश में पूरी दुनिया बसती है और सब खुश है। मेरे देश का मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सब खुश है, उसकी चिंता मत करो। मैं आपसे मानवता की बात कर रही हूँ, आप मजहब की बात कर रहे हैं, ये आपकी सोच में डिफरेंस है। मैं आपसे इंसानियत की बात पूछ रही हूँ, आप अपने मजहब की बात कर रहे हैं, ये आपकी सोच में डिफरेंस है। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक आप, जब तक ये बदलने की आप सोचेंगे तब तक आप तालिबान बन जाएंगे, तब तक आप बन चुके होंगे। सिन्हा साहब लास्ट कॉमेंट, सर सिन्हा साहब लास्ट कॉमेंट। आपकी सोच में बहुत डिफरेंस है, आपकी सोच में बहुत डिफरेंस है, आप अपने गिरेबान में जाके माधुरी 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 इसका आवाज कम करो। माधुरी मेरी आवाज आ रही है, आपने कॉल काट दी। माधुरी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था माधुरी माधुरी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि माधुरी एक माधुरी मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट कमेंट के रूप में। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक भर जाता है। पाकिस्तान के बर्बादी के दिन आ गए हैं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि ये समझता है कि जो सांप छोड़ा पिटारा से इसने निकाला है ये इसको डसेगा नहीं। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे है, वो बहुत तेज गति से जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को काट रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ निकटतम भविष्य में पाकिस्तान की बर्बादी आपको लॉ नजर आ रही है, होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आर्मी करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी नजर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग आर्मी से बर्बाद हो जाएंगे। आप इतने बुजदिल हैं कि बीजेपी पाकिस्तान वीर से डरते हैं। किससे डरते हैं जिलानी जी? पाकिस्तान में क्या हुआ जिलानी? बोले तो पाकिस्तान में क्या हुआ? पीने वाली तस्वीर से 65 में क्या हुआ?
आप अपने 71 में क्या हुआ गिलानी की बात नहीं करें, पाकिस्तान 1999 में क्या हुआ गिलानी बातें नहीं करें, पाकिस्तान ने अरे 47 में गिलानी क्या हुआ, पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत परमाणु बम बना रहा है, पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट कर रहा है, आप लोग तो लड़ना ही बच्चे को नाश्ते में खिलाते हैं, हिंसा ही बच्चों को लंच में खिलाते हैं, वही सिखाते हैं। अरे आप जैसे लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका राष्ट्रपति जिसका प्रधानमंत्री पेशावर में 200 बच्चों को मार देता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है। एक इंडिया इस वक्त TGISI से काम पर है, उसकी एक तस्वीर से काम पर है, सिर्फ वो चाय पीते हैं ना। आपके ISI से कोई डरता है? आपके ISI कदों पर बैठती है? प्लीज तो इस बात को ध्यान रखिएगा जिलानी जी, पहले अपने यहाँ थोड़ा इंटरनेट ठीक करवाइए, वो भी क्या पता आपके यहाँ आता नहीं आता, सही से समझ नहीं आता आपको। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि जो बात आज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी तय है, क्योंकि वो जब तक आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, संरक्षण करता रहेगा, नियंत्रण नहीं करेगा, कोई देश उसके साथ नहीं खड़ा होगा, और धीरे धीरे यही तालिबानी हुकूमत आपके सर पर होगी। बहुत शुक्रिया। हत्यारा भी हमदर्द भी, अफगान में नियाजी का डबल गेम, $31 मिलियन का सूद ही मुल्ला को मार डालेगा। भाईजान बताओ हिंदुस्तान किसके बाप का, बाप की छाती पर हिंदुस्तान का रनवे। मेरा राज्य मेरा देश देखिए मेरे साथ शाम 6:57 पर जी हिंदुस्तान पर।